वो दो चीज़ें पढ़ी थी हमने, एक तो गिट में रिपॉजिटरी बनाना, उसको क्लोन करना, उसमें चेंजेस करके वापस पुश करना। तो एक गिट का हमारा पूरा हेलो वर्ल्ड हो गया था, और गिट वाले टॉपिक को अभी यहीं तक रखते हैं, गिट वाले टॉपिक को हम इससे आगे नहीं फिलहाल पढ़ते। अच्छा, दूसरा काम हमने लास्ट क्लास में ये किया था कि HTML का हेलो वर्ल्ड बना लिया था। ठीक है, कैसे बनाया था HTML का हेलो वर्ल्ड ज़रा देख लेते हैं दोबारा से हम। एक हमने फाइल बनाई थी जिसका हमने नाम रखा था index.html, राइट। और इस index.html के अंदर ये बुक में एक लिखा हुआ था हेलो वर्ल्ड का कोड, वो हमने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया था, राइट। अच्छा, तो एक काम करते हैं, आज हम वापस बुक में चलते हैं और अब इस पूरे हेलो वर्ल्ड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे और क्या हुआ भाई। ठीक है, तो मैं बुक आपको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, आई होप कि ये बुक आप सब लोगों के पास अवेलेबल हो गई होगी। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, ये पहला चैप्टर है इसका। हमने ये कंपैरिजन वगैरह देख लिया था कि यार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती है, ये था वो हेलो वर्ल्ड का कोड जो हमने लास्ट क्लास में चला कर देखा था। ठीक है, अच्छा, तो ये तो इसने वैसे ही बनाकर बता दिया। अब हम आगे चलेंगे और हम बाकायदा इस जो हेलो वर्ल्ड का कोड है इसको बाइसेक्ट करेंगे, मुख्तलिफ टुकड़ों में देखेंगे कि किस पार्ट का क्या मतलब है। अच्छा, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि HTML uses elements to describe the structure of pages। ठीक है, अच्छा, एलिमेंट क्या चीज़ होती है? कह रहा है कि HTML एलिमेंट यूज़ करता है। ये जो कह रहा है कि लेट्स लुक क्लोजर एट द कोड फ्रॉम द लास्ट पेज, जो इससे पहले भी हमने हेलो वर्ल्ड का कोड लिखा था, कह रहा है इस पर आप गौर से देखें। देयर आर सेवरल एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट हैज अ ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। अब हमें एलिमेंट भी नहीं पता, हमें ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग भी नहीं पता, तो नीचे ये मार्किंग करके बता रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ना HTML, ये यहां से लेके और यहां तक एक एलिमेंट है। ठीक है, असल में वो बुक में जो है साइड बाय साइड पेजेस होते हैं, तो अगर साइड बाय साइड पेज होता ना तो आपको कुछ इस तरह दिख रहा होता। मैं ट्राई करता हूँ अगर ये साइड बाय साइड मैं इसको ला पाऊँ व्यू में जाके ना, अगर मैं टू पेज वाला करता हूँ इसको, हाँ, तो ये साइड बाय साइड कुछ इस तरह का पेज दिखना था। ये जिन लोगों के पास प्रिंटेड फॉर्म में ये बुक मौजूद है, अगर किसी के पास है तो उनको इस तरह दिखना चाहिए। अच्छा, तो आप देखें ये HTML यहाँ से शुरू है और इसके बारे में इन्होंने देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द ओपनिंग HTML टैग इंडिकेट्स दैट एनीथिंग बिटवीन एंड अ क्लोजिंग, ये क्लोजिंग फिर नीचे जाके इज HTML कोड, कि भाई ये यहाँ से लेके और यहाँ तक इसके दरमियान में जो भी कुछ लिखा हुआ है ये HTML का कोड होगा। ठीक है, हमने हेलो वर्ल्ड में अपने इसी तरह से लिखा था ना, ये इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, अच्छा, इसको मैं कोलैप्स भी कर सकता हूँ ना, ये VS कोड जो टेक्स्ट एडिटर है ये मुझे एक फैसिलिटी देता है कि मैं कोड को कोलैप्स कर सकता हूँ। ठीक है, ये इसको खोलूँगा, बंद करूँगा ये, तो ये देखो ये HTML का टैग ओपनिंग टैग है, ये HTML का टैग क्लोजिंग टैग है। ठीक है, ओपनिंग टैग में और क्लोजिंग टैग में क्या डिफरेंस है? इसमें एक एक्स्ट्रा स्लैश लगा हुआ है और कौन सा वाला है, फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, तो इसके दरमियान में जो भी कोड लिखा हुआ है वो ये कह रहे हैं कि वो HTML का कोड है। अच्छा, फिर उसके बाद बॉडी है, बॉडी के बारे में इन्होंने क्या लिखा है कि द बॉडी टैग इंडिकेट्स दैट एनीथिंग बिटवीन इट एंड क्लोजिंग बॉडी टैग शुड बी शोन इनसाइड द मेन ब्राउजर विंडो। कह रहा है कि ये बॉडी के ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान जो भी चीज़ लिखी हुई है वो ब्राउजर के विंडो पे डिस्प्ले होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद H1 है, H1 जो है वो उसका क्या मतलब है, वर्ड्स बिटवीन H1 ओपनिंग टैग एंड H1 क्लोजिंग टैग आर मेन हेडिंग, कि मतलब जिस टेक्स्ट के मैं इस तरफ और इस तरफ H1 का टैग लगा दूँ वो हेडिंग की तरह नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर पैराग्राफ है, अब पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट अपेयर बिटवीन पैराग्राफ का ओपनिंग टैग पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग, इसके दरमियान जो भी है टेक्स्ट लिखा हुआ वो एज अ पैराग्राफ शो होगा। अच्छा, तो आपने नोट किया कि इसको मार्कअप लैंग्वेज जो कहते हैं ना, वो अब ये निकल के सामने आ रहा है कि ये चक्कर क्या है मार्कअप लैंग्वेज का। जैसा कि ये मैं वही हेलो वर्ल्ड वाला कोड मैंने खोला हुआ है, इसका मैं राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करता हूँ और इसको
यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी स्क्रीन पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने सब कुछ बॉडी में से सब कुछ हटा दिया है। अब एक टेक्स्ट मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, सही है, एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब ये जो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे दिखता है ये छोटा सा दिखता है, इसका मैं जूम लेवल ज़रा ज़ीरो कर लूँ, ठीक है। ये मैंने जूम लेवल ज़ीरो किया हुआ है ताकि आपको फील हो कि ये छोटा सा लिखा हुआ है वो कोने में। अच्छा, अब जब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं रैप कर देता हूँ, जब इसको जब मैं रैप कर देता हूँ H1, अच्छा VS कोड देगा, क्लोजिंग टैग इसने खुद से लगा दिया, तो ये वन ऑफ दोज फैसिलिटीज़। तो ये H1 में जब मैं इसको रैप कर देता हूँ तो अचानक क्या होता है, फिर ये एज अ हेडिंग अपेयर होने लग जाता है। अभी भी स्टिल ये काफ़ी दूर नज़र आ रहा है, चलो थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। तो ये प्रोजेक्टर थोड़ा आउट हुआ हुआ उस तरफ हुआ हुआ है, जूम ज़्यादा हुआ हुआ है। खैर, तो अब मैं इसको कैसे आपको सही करके दिखाऊंगा। चलो भाई चढ़ो एक बंदा चेयर पे, इसको सीधा करो, इसको थोड़ा सा इस तरफ कर दो। तो मैं ये बता रहा था कि हाँ, अब मार्कअप लैंग्वेज जो इसको कहते हैं ना, अच्छा असल में इसको H1 को ये एलिमेंट कह रहे हैं ना, इसको मार्कअप भी कह सकते हैं, बल्कि मार्कअप भी कहते हैं, लेकिन बुक्स में आपको जो ज़्यादातर वर्ड मिलेगा वो एलिमेंट मिलेगा, मार्कअप बहुत कम जगहों पे देखने को मिलेगा। तो ये असल में क्या हुआ, इस हेलो वर्ल्ड को मैंने क्या कर दिया, जो अंग्रेजी में मार्कअप का क्या मतलब होता है, अंडरलाइन कर दो, बोल्ड कर दो, सही है, ब्लू मार्कर से मोटा करके लिख दो, तो ये मैंने असल में मार्कअप लगा दिया इसके ऊपर। ये एक सिंपल सा नॉर्मल सा टेक्स्ट था, इस पे मैंने मार्कअप लगा दिया H1 कि भाई तुम बन जाओ हेडिंग। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगा, एक और टेक्स्ट लिखा मैंने, सही है, हे गुड मॉर्निंग, ये मैंने एक और टेक्स्ट लिखा, रिफ्रेश किया मैंने, ये टेक्स्ट भी क्या था, एक नॉर्मल टेक्स्ट था ये। अच्छा, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, अब एक और मार्कअप लगा दूंगा, कौन सा भला, बोल्ड कर देते हैं मैं फिर आगे, ठीक है, क्योंकि H1 और H2 तो एक जैसे। अच्छा, बोल्ड वाले मार्कअप से क्या होता है, बोल्ड हो जाता है, तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे ये बोल्ड हो गया। तो मार्कअप लैंग्वेज जो हम जिक्र कर रहे थे लास्ट क्लास में, वो अभी चीज़ निकल के सामने आ रही है कि वाई दिस इज़ कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में यही हो रहा होता है बैकग्राउंड में, तो आप सेलेक्ट करते हैं बी दबाते हैं ना, वो पीछे एक लैंग्वेज जनरेट हो रही होती है। लाइन ब्रेक का इसलिए नहीं गया, वो H1 ना पूरी लाइन लेता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, तो अभी इसी बुक में आगे वो जिक्र आएगा उसका कि कौन कौन से एलिमेंट जो वो ब्लॉक लेवल होते हैं, वो पूरी लाइन में जगह ले लेते हैं, और कौन से वाले पूरी लाइन में जगह नहीं लेते, सही है। तो हमने देखा कि हेलो वर्ल्ड एक सिंपल टेक्स्ट था, उसको H1 के एलिमेंट में रैप किया हमने, ये H1 के मार्कअप में रैप किया तो H1 के जैसा दिखने लग गया हो, इसी तरह B के मार्कअप में रैप किया तो बोल्ड दिखने लग गया हो। अच्छा, अब ये अगले पेज में कह रहे हैं कि अ क्लोजर लुक एट अ टैग, कह रहे टैग जो है ना वो क्या है उसको जरा गौर से देखते हैं। कह रहे एक टैग जो होगा उसमें एक एंगल ब्रैकेट होगा, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, और दूसरे तरफ राइट एंगल ब्रैकेट, और बीच में होगा एक अदद कैरेक्टर डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा मार्कअप है, ठीक है। पैराग्राफ का मार्कअप होगा तो पी होगा, बोल्ड का होगा तो बी होगा, H1 का होगा तो H1 होगा, ठीक, तो डिपेंडिंग, तो बीच में कैरेक्टर होगा, तो ये पूरे को मिला के क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग। अच्छा, इसी तरीके से एक क्लोजिंग टैग होगा, इसमें भी लेफ्ट और राइट एंगल ब्रैकेट होंगे, कैरेक्टर होगा, लेकिन एक फॉरवर्ड स्लैश भी होगा एडिशनल, और इस पूरे को मिला के क्लोजिंग टैग बोलते हैं। अच्छा, ये एलिमेंट नहीं है, ये जो ओपनिंग टैग है ये एलिमेंट नहीं है, क्लोजिंग टैग एलिमेंट नहीं है। जब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होंगे और उसके बीच में कुछ आइटम होगा, ये पूरा मिला के एक एलिमेंट है, सही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं जस्ट यहाँ पे H1 लिख देता, ये H1, दिस इज़ नॉट एन एलिमेंट, ये जस्ट ओपनिंग टैग है, ठीक है, ये पूरे को मिला के एलिमेंट बोलते हैं, सही है। जस्ट इतना बोलेंगे तो ओपनिंग टैग, जस्ट इतना तो क्लोजिंग टैग, और ये पूरे को मिला के एलिमेंट। अच्छा, सम टाइम एलिमेंट में अंदर कुछ नहीं भी होता, लेकिन कुछ नहीं भी होता है ना इसके अंदर तो एक एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है, तो ये स्टिल ये पूरा मिला के एलिमेंट ही रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एलिमेंट खाली नहीं होता, कुछ ना कुछ होता है इसके अंदर। अच्छा, तो हमने टैग्स का और एलिमेंट्स का डिफरेंस समझ लिया कि सिर्फ टैग एलिमेंट नहीं होता,
दो टैंक मिलेंगे तो एलिमेंट बनेगा। अच्छा अब आगे चलते हैं ज़रा। अब हमने अभी तक तो ये देखा एलिमेंट में ना टैग्स होते हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बीच में आइटम होता है, बस इतना देखा। इसमें एक चीज़ और भी होती है, वो होते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स टेल अस मोर अबाउट एलिमेंट्स। उस एलिमेंट के बारे में मज़ीद अगर मैं कुछ बताना चाहता हूँ ना कंप्यूटर को, तो वो मैं एट्रीब्यूट के ज़रिए बताता हूँ। मैंने मार्कअप के ज़रिए ये तो बता दिया कि इसको टेक्स्ट को क्या कर दो, बोल्ड करके दिखा दो, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं उसको ये भी बताऊँ कि इसका कलर क्या हो, इसका साइज़ क्या हो, इसकी विड्थ क्या हो, तो मैं एट्रीब्यूट के ज़रिए बता सकता हूँ। अच्छा जब HTML शुरू शुरू में आई थी तो तमाम तरह डिटेल इसी तरह बताई जाती थी, कलर वगैरह, बोल्ड, मतलब किसी अगर बोल्ड किया मैंने किसी टेक्स्ट को तो ज़रा इसका कलर भी सेट करना है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब एट्रीब्यूट से बताते थे। लेकिन अब क्या किया है इन्होंने कि HTML में से स्टाइलिंग वाली जितनी भी चीज़ें थी उसको सेपरेट कर दिया है। वो अब बताएंगे, अभी भी चलता है, वो पुराने एट्रीब्यूट्स हैं वो चलते हैं अभी भी, लेकिन अब ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि आप स्टाइलिंग वाली जितनी चीज़ें हैं वो एट्रीब्यूट के ज़रिए नहीं देंगे आप, उसके लिए अलग एक लैंग्वेज हो गई है वो CSS के नाम से, क्योंकि स्टाइलिंग में इतना ज़्यादा स्टाइल में चीज़ें आ चुकी हैं कि वो एट्रीब्यूट से देने से ना पूरा कचरा हो जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी भी चलाएंगे आप तो चलेगा एट्रीब्यूट बहुत सारे, जैसे BG कलर करके एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड कलर के लिए, तो आप वो देंगे तो बैकग्राउंड का कलर चेंज स्टिल वो करेगा, बट ऐसा रेकमेंड किया जाता है कि आप CSS का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो शुरू के 8 चैप्टर जो है वो CSS उसमें नहीं है, सिर्फ HTML है। उसके बाद 12 चैप्टर से लेकर 18 चैप्टर तक वहाँ पे CSS है। तो हम पहले HTML को पढ़ेंगे फिर हम CSS को पढ़ेंगे। इन्होंने यहाँ पे ना एक एट्रीब्यूट पास करके बताया कि एट्रीब्यूट असल में पास किया कैसे जाता है। ठीक है, अच्छा एट्रीब्यूट जो मैं कह रहा हूँ ना कि स्टाइलिंग वाली चीज़ें देते थे वो ख़त्म हुई है सिर्फ, लेकिन एट्रीब्यूट से और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो अभी भी अपनी जगह पर है। जैसे कि आप देखें एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है और लैंग्वेज के अगेंस्ट इसने क्या दिया है, ENUS के इंग्लिश और यूनाइटेड स्टेट्स वाली। तो पहला वाला पार्ट जो है वो एट्रीब्यूट का नाम है, दूसरा वाला पार्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ठीक है, अच्छा हर एलिमेंट के अंदर आप कई सारे एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज के जो एट्रीब्यूट है वो बिल्कुल यूनिवर्सल है, वो आप किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं ये वाला एट्रीब्यूट। अच्छा इस एट्रीब्यूट से क्या पता चलता है आपके ब्राउज़र को, ये मतलब एज अ डेवलपर मैं ये बात बता रहा हूँ कंप्यूटर को, राइट। जब मैं HTML का कोड या किसी भी किस्म का कोड लिख रहा हूँ, किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, तो मैं जो भी कोड लिखता हूँ मैं एक्चुअल में क्या करता हूँ, मेरे दिल की बात अपने कंप्यूटर को बता रहा हूँ मैं कि भाई ऐसे करो। ठीक है, तो एक तो बोल्ड लिख के मैंने बोला भाई बोल्ड कर दो। अब एट्रीब्यूट लैंग्वेज ENUS लिख के मैं क्या बता रहा हूँ कि ये पैराग्राफ या ये जो टेक्स्ट है ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये बता रहा हूँ मैं, तो आपका कंप्यूटर इस चीज़ को समझता है। अच्छा मिसाल के तौर पे अगर आपने पूरे जो शुरू में ही वेबसाइट के यहाँ पे आपने यहाँ पे लैंग्वेज डिफाइन कर दिया, आपने कहा कि लैंग्वेज जो है वो क्या है इसका, FR है, ठीक है, फ्रेंच है, तो अब ये पूरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली क्या समझ जाएगा ब्राउज़र आपका कि ये फ्रेंच में वेबसाइट है। अब मिसाल के तौर पर मैं खोलता हूँ, मेरे सिस्टम की जो प्राइमरी लैंग्वेज है वो क्या है, फ्रेंच तो नहीं है, वो इंग्लिश है, तो मुझे फ़ौरन गूगल क्रोम ऑप्शन दे देगा कि ट्रांसलेट दिस पेज। ठीक है, तो ये वाला काम इस तरह से हो रहा होता है बैकग्राउंड में, तो ब्राउज़र देखते ही समझ जाएगा कि ये पेज किस में है, फ्रेंच में है जी। क्या सॉरी समझा नहीं पाया, हाँ नहीं देखो, अच्छा अभी मैं उस पर आता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन पे कि इनका असल में क्वेश्चन मुझे जो समझ में आया कि ये लिखने से कोई बेनिफिट तो नहीं है, कंप्यूटर को तो पता है वो इंग्लिश है, उसने डिस्प्ले भी कर दिया। अच्छा लेकिन अब इमेजिन कर लो ना, अब इमेजिन कर लो कि ये इंग्लिश नहीं है, सही है, हम मैं एक्चुअल में फ्रेंच उठा के ले आता हूँ ना कहीं से, कहाँ से मिलेगा यार फ्रेंच का पैराग्राफ, अ पैराग्राफ इन फ्रेंच, ये तो कुछ और ही ला रहा है, खैर हाँ ट्रांसलेट ही करने जा रहा हूँ अब मैं, ये मैंने खोला, ये इसका ना एक पैराग्राफ में उठाता हूँ पूरा,
और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ट्रांसलेट टू फ्रेंच कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने फ्रेंच में इसको ट्रांसलेट कर दिया, बहुत लंबा कर दिया, सही है, टेक्स्ट कॉपीड। अब मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे लाके एक पैराग्राफ बनाता हूँ मैं, और इस पैराग्राफ में ये पेस्ट कर देता हूँ मैं पूरा का पूरा वो टेक्स्ट। अभी एक्चुअल में फ्रेंच है, उसको समझ में आ गया कि ये क्या है, फ्रेंच है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट नहीं लगाया था, फिर भी समझ में आ गया, सही है, मैं यही करके दिखाना चाह रहा था। तो अब सवाल ये है कि इसका फ़ायदा क्या है, जब गूगल क्रोम के ब्राउज़र को वो लगाए बगैर भी समझ आ जा रहा है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। हाँ, मैंने एट्रीब्यूट नहीं लगाया था, फिर भी पता चल गया, गूगल क्रोम स्मार्ट ब्राउज़र है ना, उसने बहुत सारे अपने चेक्स लगाए हैं एडिशनल। मिसाल के तौर पर आपको मैं एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, ये HTML भी मैं हटा दूँगा ना, और ये मैं बॉडी भी हटा दूँ, डायरेक्ट मैं H1 लिखूँगा तो भी गूगल को समझ में आ जाएगा, सही है। हालांकि HTML के जो प्रॉपर कोड है उसमें पहले HTML होता है, फिर बॉडी होती है, फिर उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। मैंने डायरेक्ट H1 लिखा है तो भी इसको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो ये इस वजह से चल रहा है क्योंकि गूगल क्रोम स्मार्ट ब्राउज़र है, इस पर ही चलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें रूल्स को फॉलो करना है, हमें क्या करना है, हमें रूल्स को फॉलो करना है। तो जो HTML5 का मतलब जो है ना, HTML5 जो है वो एक स्टैंडर्ड का नाम है। ठीक है, अब आप मिसाल के तौर पे किसी ने facebook.com लिखा, या आपकी वेबसाइट लिखी sysborg.com, सर्वर पर रिक्वेस्ट गई, वहाँ से क्या उठ के आया, HTML का डॉक्यूमेंट। अब HTML का डॉक्यूमेंट उठ के जो आ रहा है ना, वो हो सकता है गूगल क्रोम पे पहुँचे, अगर मैंने गूगल क्रोम से रिक्वेस्ट की तो वहाँ आएगा, हो सकता है फायरफॉक्स पे पहुँचे, हो सकता है ओपरा पे पहुँचे। तो हर ब्राउज़र उस HTML पेज को कैसे समझे, कैसे इंटरप्रेट करें, ठीक है, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड है जो आप भी फॉलो करेंगे और ब्राउज़र उसको समझता है, एक प्रोटोकॉल है, तो दोनों लोग सेम पेज पे होंगे। तो ऑफिशियली अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ब्राउज़र को क्या देखना है, किसी भी पैराग्राफ के अंदर लैंग्वेज का एट्रीब्यूट देखना है कि वो कौन सी लैंग्वेज में। अच्छा, गूगल क्रोम क्या कर रहा है, इसने कोई एडिशनल चेक लगाया हुआ, क्योंकि इनका तो ट्रांसलेट सब इनकी API है ना, वो तो दुनिया को बांट रही है, तो उसने पेज का पूरा टेक्स्ट उठा के उसको लैंग्वेज चेक कर लिया, पता चल गया उसको। अगर मैं देखें ये वाला थोड़ा सा उठाऊंगा ना पैराग्राफ, और मैं गूगल ट्रांसलेट पे जाके करूंगा, तो डिटेक्ट लैंग्वेज भी होता है इसमें, सिर्फ ट्रांसलेट लिखूंगा मैं, और डिटेक्ट लैंग्वेज में जैसे ही पेस्ट करूंगा मैं, तो इसको समझ आ गया कि ये फ्रेंच है। तो इसी तरीके से ये वहाँ पे भी डिटेक्ट कर रहा है, लैंग्वेज के वर्ड्स को देख के और उस तरह करके ना ये डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन यही सेम काम अगर मैं सफारी पे करूँगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सफारी भी ये एडिशनल काम कर रहा हो, क्योंकि स्टैंडर्ड तो HTML5 है, अगर कोई ब्राउज़र उसको फुलफिल कर रहा है दैट इज़ गुड इनफ। तो हम इसको किसी और ब्राउज़र पे चेक करते हैं चला के, ठीक। वैसे तो आजकल जितने ब्राउज़र हैं सभी स्मार्ट हैं, सही है, और सभी इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, मतलब एक से बढ़ के नई नई ट्रिक्स निकाल रहे हैं। अच्छा, ये तो मैंने कुछ और पेस्ट कर दिया, इसका मैं URL पेस्ट करता हूँ इसके अंदर। अब अच्छा, इसको ये तो समझ आ गया, लेकिन ये ट्रांसलेट का ऑप्शन मुझे नहीं दे रहा, सही है, ये ट्रांसलेट का ऑप्शन मुझे फिलहाल नहीं दे रहा। मैं इसको वापस पहले जैसा बनाता हूँ, जो HTML बॉडी सब लगा के, सही है, और यहाँ पे मैं देता हूँ इसको लैंग्वेज और FR, और आप देखते हैं क्या कहता है ये। अच्छा, सफारी में यूज़ नहीं करता तो मुझे पता नहीं है कि इसमें ट्रांसलेट किधर आ रहा होता है। वेल, फॉरेन से तो इसने नहीं दिया जैसे गूगल क्रोम दे रहा था। ट्रांसलेट कंटिन्यू, हाँ, अब देखो समझ आ गया इसके लिए फ्रेंच है।
अच्छा ऐसे है ये, अच्छा अगर मैं ये हटा दूँ अब तो फिर भी क्या इसको समझ आएगा? आना तो चाहिए वैसे यार, सफारी है, मतलब एप्पल की डिवाइसेस पूरी दुनिया में बेस्ट कंप्यूटर मानी जा रही है इस वक्त, लेकिन हो सकता है ना भी करिए, ठीक है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। सेकंड समझ तो इसको अभी भी आ रहा है, अभी भी इसको समझ आ रहा है, ठीक है, लेकिन स्टिल अब ये ना सिमेंटिक टैग्स हैं, अभी आगे ये भी अब चैप्टर में डिस्कस होगा कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। ये सिमेंटिक चीज़ है ये वाली ना, जो एक्चुअल में आपको स्क्रीन पर नहीं दिखती थी। गूगल ट्रांसलेट जो बोला था उसका पूछ रहे हो? कोडिंग में क्या मतलब? जैसे कि अपने हाँ नहीं, ट्रांसलेट खुद से थोड़ी होगा वो, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने ये एज अ डेवलपर मैंने ये पैराग्राफ किस लैंग्वेज में लिखा है, मैं ये डेटा दे रहा हूँ, सही है, दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पे FR लिख दिया। हाँ नहीं बस ओपनिंग में देते हैं आप, सिर्फ एट्रीब्यूट सिर्फ ओपनिंग में देते हैं। तो वेल अभी तो हम ये देख रहे हैं एट्रीब्यूट होता क्या है, सही है, तो अभी हम ये देख रहे हैं कि एट्रीब्यूट होता क्या है। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इसने इंग्लिश US दे दिया और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट इसने फ्रेंच दे दिया, ठीक है। तो एट्रीब्यूट के बारे में ये कह रहे हैं, एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेंट ऑफ द एलिमेंट, कि इस एलिमेंट के अंदर जो कॉन्टेंट है इन दो ओपनिंग क्लोजिंग टैग के बीच में क्या चीज़ है उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स के जरिए देते हैं। दे अपेयर ऑन द ओपनिंग टैग ऑफ द एलिमेंट एंड आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, कह रहा है सिर्फ ओपनिंग टैग पे लगेगा, क्लोजिंग पे लगाने की जरूरत नहीं है, और दो हिस्से होते हैं इसके, नेम और वैल्यू, सेपरेटेड बाई एन इक्वल साइन, ठीक है, इक्वल लगा हुआ होता है नेम और वैल्यू के बीच में। अच्छा तो अब एट्रीब्यूट की जहाँ तक बात है कि कौन से वाले एलिमेंट पे कौन कौन से एट्रीब्यूट आप लगा सकते हैं, ये हर एलिमेंट की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और मैं जाके बोलता हूँ कि यार P एलिमेंट, सही है, तो MDN का लिंक क्यों नहीं आया यार, पैराग्राफ एलिमेंट लिख देता हूँ पूरा, MDN भी लगी देता हूँ साथ में। अच्छा ये देखो ये Mozilla की डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत अच्छी इन्होंने लिखी है, तो ये मैं ना इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आ गया, बुक को छोड़ के अभी मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आ गया हूँ। तो इसमें ना पैराग्राफ के एलिमेंट पे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लग सकते हैं ना वो यहाँ इन्होंने मेंशन किए हुए होंगे, सही है। तो अब मैं स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा, ये देखो ये है एट्रीब्यूट्स, कह रहा है दिस एलिमेंट ओनली इंक्लूड द ग्लोबल एट्रीब्यूट, ठीक है, कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो हर एलिमेंट पर लग जाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोबल एट्रीब्यूट। तो वो कह रहा है कि पैराग्राफ पे ना सिर्फ ग्लोबल वाले ही एट्रीब्यूट लग सकते हैं, कोई इसका खुद का अपना स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं है। तो ग्लोबल एट्रीब्यूट को अगर हम नए टैब में खोल लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है, ये हैं वो सारे ग्लोबल एट्रीब्यूट, एक्सेस की, ऑटो कैपिटलाइजेशन, ऑटो फोकस, क्लास, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, डेटा, DIR, ड्रैगेबल, ये बहुत सारे इसके अंदर हिडन है, ID है, ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं सारे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनमें क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, वो इसके आगे ही इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। लैंग्वेज इज़ वन ऑफ दोज ग्लोबल एट्रीब्यूट, ग्लोबल एट्रीब्यूट क्या होता है, जो हर एलिमेंट पर लग जाता है HTML में, ठीक है। अच्छा मैं आप कोई ऐसा एलिमेंट सर्च करता हूँ जिसमें कुछ एडिशनल लग जाता हूँ, इमेज, इमेज का जो एलिमेंट है ना उसमें शायद कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होते होंगे, नहीं इमेज में भी, अच्छा ये ग्लोबल एट्रीब्यूट सारे हैं, इसमें एक ALT करके एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। अब जब हम इमेज पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये ALT क्या चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन एक है, एनोनिमस एक है, यूज क्रेडेंशियल एक है, सही है, डीकोडिंग, काफ़ी सारे एट्रीब्यूट ऐसे हैं, हाइट और विड्थ है जो इमेज में दी जा सकती है, ठीक है, कि इमेज कितनी बड़ी नज़र आए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, लोडिंग है इसके अंदर, वाह काफ़ी सारे हैं, ठीक है, SRC है जिसमें हम इमेज बताते हैं कि ये इमेज उठानी कहाँ से। तो हमने ये देखा कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, दो तरह के एट्रीब्यूट होते हैं, एक होते हैं जनरल या ग्लोबल एट्रीब्यूट जो हर एलिमेंट पे अप्लाई हो जाते हैं, और एक होते हैं उस एलिमेंट के स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट जो सिर्फ उसी में लगते हैं, किसी और में नहीं लगते। तो ये आपको कहाँ जाके देखना पड़ेगा, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे तो वहाँ पर लिस्ट आ जाती है कि इसमें कौन कौन से लग जाते हैं। अच्छा चलते हैं जी आगे।
अब ये बॉडी हेड और टाइटल ये क्या चक्कर है इसका, मैं व्यू वापस पहले जैसा कर देता हूँ। बॉडी हेड और टाइटल ये क्या चक्कर है, ये कह रहे हैं कि भाई आपका ना पहले होगा HTML, उसके अंदर होगा हेड, उसके अंदर होगा बॉडी। अच्छा पहले इसने हेड का जिक्र नहीं किया था, जो पहले जो कोड लिखा था हमने, इसको मैं सबको मिटा देता हूँ और सबको मिटा के मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जादू, सही है, जो कि VS Code आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। आप लिखेंगे शिफ्ट पकड़ के ना ये एक्सक्लेमेशन वाला बटन दबाएंगे आप, तो नीचे देखो दो सजेशन आ गई आपके पास, ठीक है। मैं टैब भी दबा सकता हूँ और एंटर भी दबा सकता हूँ इस सजेशन को लेने के लिए। अच्छा माउस को हाथ नहीं लगाना आपने, ठीक हो गया ना, कोडिंग करते हुए माउस को हाथ कम से कम लगाना है, उससे टाइम बहुत ज़्यादा होता है। जो एंटर किया मैंने तो ये देखो पूरा कोड लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है, ये जो स्टैंडर्ड HTML5 का जो कोड है, बॉयलर प्लेट कोड, ये वो है। बॉयलर प्लेट क्या चीज़ होती है कोई बता सकता है? बॉयलर प्लेट वो होता है जो आपको कभी भी कोई एप्लीकेशन जब आप बनाना स्टार्ट करते हैं तो शुरू में आपको एक साँचा स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई, मतलब दूसरी मिसाल दो कि रियल लाइफ वाली कोई, हाँ बताओ। हाँ हर काम से पहले करना पड़ता है, तो कोई एग्जांपल दो ना रियल लाइफ वाली। नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ना बॉयलर प्लेट थोड़ी है, जैसा कि नाम आपको सजेस्ट करता है, जो बर्गर वाला होता है ना, बर्गर वाली जो प्लेट होती है, ये उसी बॉयलर प्लेट की बात होगी, तवे को कहते हैं प्लेट, सही है। तो बॉयलर प्लेट जो टर्म डिवाइस की है वो वहीं से ही आई है। तो बर्गर वाला क्या करता है, आगे अपनी दुकान जैसी खोलता है तो उसको तवे गर्म करना पड़ता है अपने, ठीक है, और उसमें 15 से 20 मिनट लगते हैं क्योंकि वो मोटा मेटल होता है, उसको अगर तेज़ आंच पे गर्म किया तो वो जल जाएगा, मतलब जलने का मतलब है वो आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू हो जाएगा वहाँ से, तो उसको स्लो आंच में गर्म करना होता है, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स है कि किसी चीज़ को अगर आप, मतलब बर्गर वालों को पता होता है कि यार तेज़ आंच पे गर्म करूँगा मैं तावा ख़त्म हो जाएगा, मतलब जहाँ साल चलने को 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उसको समहाउ उसको पता है ये बात। तो उसको स्लो आंच में गर्म करना है और वो आधा घंटा भी लगाता है समटाइम, डिपेंडिंग ऑन के वो, मतलब वेदर वगैरह क्या है और वो कितना थिक है। तो वो जब जल्दी से आता है चूल्हा जला देता है पहले, उसके बाद वो सफाई वफाई करके इतनी देर में चूल्हा गर्म हो चुका होता है। तो बर्गर वाले के लिए इस चीज़ को बाईपास करना इम्पॉसिबल है, वो ये नहीं कर सकता है कि वो आए दुकान खोलने के बाद वो बर्गर बनाने के लिए उसको वेट करना है 20 मिनट, दैट इज़ क्योंकि प्लेट उसकी बॉयल हो रही है अभी। हम एज अ प्रोग्रामर, हमें भी क्या चाहिए होता है, हमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुरू में करनी होती है। भाई HTML का कोड तो लिखोगे ना, HTML हेड और बॉडी और ये लिखोगे, ठीक है, हर दफ़ा लिखना है, उसके अंदर ही कोडिंग शुरू होगी। तो इस वजह से इस कोड को बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। अच्छा अभी तो HTML का बॉयलर प्लेट है, जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं उन्होंने पूरी ऐप बना के रखी हुई होती है एज अ बॉयलर प्लेट। मिसाल के तौर पे लॉग इन साइन अप तो हर ऐप में ही होता है ना, तो अगर मैं एक ऐसी ऐप बना के रख लूँ जिसमें 2 पेजेस हों, लॉग इन और साइन अप बना हुआ, और एक तीसरा जो है वो होम पेज हो जो लॉग इन करने के बाद जहाँ जाते हैं, ठीक है, तो ये कोड क्या है, ये बॉयलर प्लेट है। जितनी भी ऐप्स होती हैं उसमें लॉगिन साइन अप सब में होता है। तो अगर मेरे पास कोई शॉप की ऐप बनवाने आता है, ई कॉमर्स की ऐप, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी बॉयलर प्लेट को उठा के उसमें आगे का काम करूँगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों ने किसी प्रोफेशनल बंदे का बॉयलर प्लेट देख के ना ये मशहूर कर दिया कि कोडिंग तो सिर्फ कॉपी पेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हर प्रोफेशनल डेवलपर को अपना बॉयलर प्लेट तैयार करके रखना होता है, मेरे पास भी बहुत सारे पड़े हुए हैं और पब्लिक भी हैं भाई मेरे, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो पहले से कोड लिखा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, वो बॉयलर प्लेट कहलाता है। अगर वो नहीं होगा ना आपके पास, तो जो काम आपको 1 हफ्ते में करना है वो आपके 3 महीने में होगा जाके, अगर आपके पास बॉयलर प्लेट ना हो। तो टाइम इज़ मनी, हर चीज़ पैसा है, ठीक है, जो टाइम बचेगा तो आपका पैसा बचेगा एक्चुअली। तो ये बॉयलर प्लेट आपका आ गया फिलहाल के लिए HTML के केस में, सही। अच्छा बाय द वे बॉयलर प्लेट के लिए ना पूरी ऐप्स भी बनी हुई होती हैं। एक CLI टूल है एक्सप्रेस जनरेटर करके, वो एक्सप्रेस जनरेटर में लिखता हूँ ना तो वो मुझे बॉयलर प्लेट एक बनाकर दे देता है। इसी तरह जब अभी हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो रिएक्ट के अंदर क्रिएट रिएक्ट ऐप है, क्रिएट रिएक्ट ऐप एक CLI टूल है, वो उससे पूरा बॉयलर प्लेट बन के तैयार होता है, ठीक है। तो बॉयलर प्लेट बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर बने हैं मार्केट में जो मौजूद हैं, और बहुत सारे पेड टूल्स भी हैं जो बॉयलर प्लेट आपको बनाकर देते हैं। भाई इमेजिन करो ना, एक ई कॉमर्स स्टोर का मुझे बॉयलर प्लेट मिल जाए पूरा,
लॉग इन साइन अप प्रोडक्ट प्रोडक्ट सब चीज़ होंगे, आपने जस्ट लेबल शेबल चेंज करना है और चल जाएगा आपका काम। ठीक है, तो पेड टूल्स इस तरह के मौजूद हैं जो आपको बॉयलर प्लेट बनाकर देते हैं। वेल, तो ये हमारी कुछ बॉयलर प्लेट की बात हो गई। तो आपको जो वी एस कोड है वो उसमें आपको क्या करना होता है, ये एक्सक्लेमिनेशन मार्क लिखेंगे आप और एंटर का बटन दबा देंगे तो ये बॉयलर प्लेट एच टी एम एल वाला लिखा हुआ आ जाएगा जो कि एच टी एम एल फाइव वाला है। अच्छा, अब बॉडी के अंदर आपने जो है ना जो भी आके लिखना शुरू कर देना है। अच्छा, लेकिन देख लेते हैं ज़रा ये कि बॉडी है क्या। बॉडी के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई होगी वो स्क्रीन पर नज़र आएगी, राइट। अच्छा, तो इसका मतलब है कि बॉडी तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका मतलब है हेड में जो चीज़ लिखी हुई होगी वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसा ही है, नहीं नज़र आएगी। ठीक है, तो ये इनका जो है ना ज़रा हम ये टाइटल उठाते हैं और टाइटल उठा के मैं कहाँ रख लेता हूँ, ये इसमें टाइटल लगा हुआ है डॉक्यूमेंट, मैंने इधर रख दिया। तो ये टाइटल मुझे स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा, हेड के अंदर जो चीज़ है वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी, ये कहाँ पे नज़र आएगी। रिफ्रेश किया मैंने, ये मुझे देखो यहाँ नज़र आ रही है। हर वेबसाइट का यहाँ पे टाइटल अलग होता है ना, सही है। जैसे मैं यूट्यूब अगर खोलता हूँ तो देखो टाइटल यहाँ पे क्या आता है, इसका यूट्यूब आता है। ठीक है, तो इस तरह जो भी आप नाम रखना चाहें अपने, हाँ वो हम लोगों वगैरह अभी बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इसको इतना समझो। अच्छा, हेड जो होता है वो बिफोर द बॉडी एलिमेंट यू ऑफन सी अ हेड एलिमेंट, कह रहा है आप अक्सर क्या देखेंगे बॉडी से पहले एक हेड लगा हुआ है। अच्छा, वो क्या करता है, दिस कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज रैदर देन इंफॉर्मेशन दैट इज शोन विद इन द मेन पार्ट। ठीक है, तो जो भी कुछ स्क्रीन पर दिख रहा है उसके बारे में कुछ उसमें लिखा हुआ होगा। यू विल यूजुअली फाइंड अ टाइटल एलिमेंट इन साइड द हेड, कह रहे हैं आपको हेड में ना अक्सर टाइटल लाजमी नज़र आएगा। तो टाइटल क्या चीज़ होती है, वो टॉप पे आपको नज़र आ रही होती है। ठीक है, फिर टाइटल के बारे में इन्होंने लिखा है कि भाई यूआरएल जहाँ पे होता है ना उस जगह पे दिख रहा होता है। ये डायग्राम बनाकर भी दिखाया है कि भाई सफारी में कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आता है ये। ठीक है, जो जितना एरिया ब्लू हुआ है ये बॉडी का पार्ट है, तो बॉडी में जो होगा वो इधर दिखेगा। अब क्रिएटिंग अ वेब पेज ऑन पीसी, ये हम लास्ट क्लास में क्रिएट एक्चुअली कर चुके हैं कि एक फाइल बनाएंगे index.html, उसमें कोड लिखेंगे, फिर उसको सेव करेंगे, उसका कॉपी पास करके उसको ब्राउजर में खोल के देखेंगे। सही है, ये वो चीज़ बता रहे हैं आप। अच्छा, इसने जो पहला कोड लिखवाया है वो नोट पैड पर लिखवाया है, सही है। तो अब हम जो यूज़ कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड और जो नोट पैड है इसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो भी टेक्स्ट एडिटर है, ये भी टेक्स्ट एडिटर है। ठीक है, लेकिन वी एस कोड में जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो क्या करते हैं आपको कोडिंग लिखते हुए फैसिलिटेट करते हैं, बहुत सारी सहूलियात आपको प्रोवाइड करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे है वो टेक्स्ट एडिटर, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वी एस कोड नहीं होगा तो कोडिंग नहीं होगी। टेक्स्ट नोट पैड पर भी सेम कोड लिखेंगे चलेगा दैट। तो एट द एंड वी एस कोड भी है टेक्स्ट एडिटर, उसमें कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, वी एस कोड के अलावा भी मार्केट में मौजूद हैं, मुझे अभी फौरी तौर पर नाम नहीं याद आ रहा कोई। तो जैसे नोट पैड प्लस प्लस एक है, एक वेब स्ट्रॉम हम यूज़ किया करते थे 2010-11 की बात कर रहा हूँ, वेब स्ट्रॉम बड़ा उसका फेमस था। उसके अलावा ड्रीम वीवर एक टेक्स्ट एडिटर है, और तो इस तरह बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं। सही है, तो उनमें से कोई भी आप यूज़ करेंगे तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। तो नोट पैड प्लस प्लस, पता नहीं वो मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने देखा है लोगों के कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, मैंने यूज़ नहीं किया कभी। तो इससे पहले वेब स्ट्रॉम यूज़ करता था, उसके बाद ये यूज़ किया मैंने। और तो इसने बताया भाई ऐसे नोट पैड पर लिखो, ऐसे ऐसे करके सेव कर दो, फाइल का नाम index.html रखना। और अब ये मैक में बता रहा है, पहले इसने विंडोज़ में बताया, अब ये मैक में बता रहा है। ठीक है, हम ये सब कर चुके हैं। अच्छा, तो एक तो ये हो गया भाई, अब जहाँ पे ड्रीम वीवर की बात चल रही है वहाँ पे हम CMS की बात कर लेते हैं। CMS किसी को पता है क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो होता है, लेकिन किसी ने देखा है कभी, किसी ने CMS पे काम किया है, कोई कुछ बता सकता है CMS के बारे में? अच्छा, CMS जो है ना एक खास तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। VS Code इज जस्ट अ टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, VS Code वो टेक्स्ट एडिटर से कुछ बढ़ के होते हैं, वो टेक्स्ट एडिटर से
कुछ बढ़ के होते हैं, वो जस्ट टैक्स एडिटर नहीं होते, जैसा कि ड्रीम वीवर। ड्रीम वीवर वैसे तो टैक्स एडिटर है, लेकिन उसमें टैक्स एडिटर के अलावा भी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसा कि आप बटन को बजाय लिखने के आप ड्रैग ड्रॉप करके ला सकते हैं, ठीक है। बटन को छोटा बड़ा करने के लिए आप उसको खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत फेमस CMS है वर्डप्रेस, वर्डप्रेस स्ट्रीम, उसके अलावा वीबली करके हुआ करता था, आजकल विक्स बड़ा चल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो CMS टूल। तो CMS टूल के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और उससे थोड़े से ज़्यादा नुकसान भी हैं, ठीक है। इसी वजह से जो असल में ये CMS सिस्टम जो बनाए जाते हैं, ये नॉन टेक्निकल लोगों के लिए बनाए जाते हैं, जिनका सॉफ्टवेयर का या प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है और उनको सिंपल सी कोई चीज़ बनानी है। तो अभी तक की जो टारगेट ऑडियंस है ना CMS की, वो वही है जो आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी चीज़ बनानी है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो, ठीक है। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब टाइप का सॉफ्टवेयर जिसमें परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रिक्वायर्ड है, वो CMS पे बन नहीं सकता, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अगर कोई सिंपल सी चीज़ बनानी है, मिसाल के तौर पे किसी की शादी हो रही है, उसने अपना वेडिंग पेज बनाना है, वेडिंग पेज में एक दो पेज होंगे, तीन पेज होंगे बहुत ज़्यादा, कुछ फोटोज़ लगे हुए, दैट्स इट। कोई बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं रिक्वायर्ड है, अगर खुल रही है, अगर दो चार सेकंड लेट भी खुल रही है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सही है। तो इस तरह की चीज़ CMS बेस्ट है उसके लिए। अब आओ ड्रैग ड्रॉप करो, बनाओ, टेंशन इतना ज़्यादा कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे भी इन्होंने ना कुछ कंपैरिजन किया है कि यार ये जो है ना, अच्छा कुछ इस तरह का इंटरफेस हो सकता है एक CMS वेबसाइट का, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बोल्ड इटैलिक और इन चीज़ों का बटन बना हुआ है कि आप सेलेक्ट करें और बोल्ड का बटन दबा दें, वो बोल्ड हो जाएगा, लाइक MS वर्ल्ड, ठीक है। ये इट वर्क्स लाइक MS वर्ल्ड। अच्छा, उसके अलावा मीडिया अगर आपको कोई चाहिए तो मीडिया पे क्लिक करते हैं आप, ड्रैग करके यहाँ ला के छोड़ देते हैं, समथिंग लाइक दैट। अगर बल्कि मैं विक्स का जो है ना आपको एक एडिटर कट वो भी दिखा देता हूँ कि विक्स जो है ना उसका एडिटर किस तरह का होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा भी फेमिलियर है क्योंकि बुक तो लिखी गई है 2009 में, तो वो थोड़ा सा पुराना वाला उसमें दिया हुआ है उन्होंने, राइट। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे ना वो होता है विक्स के अंदर ना, कुछ इस तरह का यूआई आपको दिख रही होती है कि आप यहाँ से उठा लेते हैं, टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ से उठा लो आप, इमेज चाहिए तो यहाँ से उठा लो आप, सही है। फिर उसके बाद यहाँ प्लस दबा के कोई बॉक्सेस वगैरह शायद इस तरह का कुछ होता है। हाँ, फ्रंट पेज का मैंने नाम नहीं सुना। ये देख रहे हैं इस तरह से प्लस का बटन दबाने से शायद ये आता है, गैलरी, डेकोरेटिव, इमेज, टेक्स्ट, स्ट्राइप, बॉक्स, मेन्यू, सोशल, एम्बेडेड, इनपुट, बुकिंग, इवेंट, जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो इधर मौजूद है, ठीक है। तो जो लेटेस्ट वाला है वो कुछ इस तरह, उस ज़माने में कुछ इस तरह का हुआ करता होगा। तो उसके ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। अरे कहाँ डिस्कस किया भाई, कह रहे कि इफ़ यू आर वर्किंग विद कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स एप्लीकेशन विल प्रॉबली लॉग इन टू अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। कह रहे हैं कि जैसे आप ना जैसे दराज है, वहाँ पे आपको जब एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो उसका अकाउंट होता है, जैसे अपन प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, तो वहाँ पे भी ना प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में HTML वगैरह लिखने का आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है, तो आप कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करके बोल्ड वोल्ड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अली एक्सप्रेस वगैरह पे, अमेजोन पे आपके पास HTML लिखने का ऑप्शन आ रहा होता है अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे भी ये CMS टाइप की चीज़ लगी हुई होती है ताकि HTML का कोई टाइप ना करना पड़े, एडिटर में ही आप जस्ट सेलेक्ट करें इटैलिक कर दें, सेलेक्ट करें बोल्ड कर दें, सेलेक्ट करें कलर चेंज करना है, क्लिक क्लिक से सारा काम हो जाएगा। अच्छा, अब यार इसने तो काफ़ी लंबा चौड़ा सा लिखा है। एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ प्रोज एंड कॉन्स। नंबर एक चीज़, CMS से लिखा हुआ जो कोड है ना, वो बाद में CMS से ही एडिट हो सकता है, वो डायरेक्टली एडिट नहीं हो सकता। हम इस क्लास में जो कोडिंग करेंगे, अब हम ये प्रैक्टिस भी रखेंगे अपनी कि कोड हमारा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि चिम्प्स कैन ऑल्सो राइट कोड, सही है। अंग्रेजी का मुहावरा एक दूसरे को छिड़ाने के लिए बोलते होंगे कि भाई चिंपैंजी भी कोड लिख सकते हैं,
लेकिन इंसान का लिखा हुआ जो कोड है और जो चिम्प्स का लिखा हुआ कोड है वो, उसमें क्या फर्क होता है? इंसान का लिखा हुआ कोड ना दूसरा इंसान पढ़ सकता है, चिंपैंजी का लिखा हुआ कोड चिंपैंजी पढ़ेगा। तो वो मतलब किसी को बंदर बोलना होता है ना तो वो कहते हैं कि चिम्प्स कैन ऑल्सो राइट कोड, मतलब उस डेवलपर को बंदर कह रहे हैं जिसने गंदा कोड लिखा है। तो हम जो इंसान जो कोड लिखते हैं उसके उसका जो नीट एंड क्लीन होता है वो रीडेबल होता है, ह्यूमन रीडेबल होता है। तो जो CMS का जो कोड जनरेट होता है ना पीछे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है तो उसमें ना इंडेंटेशन होती है ना कुछ होता है, और वो बस मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करें कि एक एलिमेंट है उसमें 300 एट्रीब्यूट लगे हुए हैं, तो आपको पढ़ा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा? ठीक है, क्योंकि जब ह्यूमन वो काम करेगा तो वो अलग तरह से करेगा, वो क्लास लगा के करेगा, वो कोई दूसरा इफ एल्स लगा के करेगा, कोई उसमें लॉजिक लगाएगा वो दूसरी से, वो ऐसा नहीं करेगा कि भाई जो जो क्लिक होता जा रहा है वो एट्रीब्यूट ऐड करते जाए, ऐसा नहीं करेगा। तो वो जनरेट हुआ जो कोड होता है उसकी जो क्वालिटी होती है ना कोड की, वो ऐसी नहीं होती कि उसको दोबारा एज अ ह्यूमन आप उसको एडिट कर सकें या उसको रीड कर सकें, वो CMS से ही एडिट होता है और कहीं और से वो एडिट नहीं हो सकता। नंबर दो प्रॉब्लम क्या है कि CMS से जो जनरेट हुआ वो कोड है उसकी परफॉर्मेंस जो है ना बहुत अजीब सी होती है, क्योंकि जाहिर है वो उन्होंने 300 एट्रीब्यूट लगाया तो वो ऑप्टिमाइजेशन उसमें उस तरह से हो नहीं पाती, वो हमेशा थोड़ा स्लो ही चलता है। आप जब भी नोट करेंगे कि वर्डप्रेस पे बनी हुई वेबसाइट या विक्स पे बनी हुई वेबसाइट कभी भी फास्टर लोड नहीं होती, हमेशा थोड़ी स्लो लोड होती है। क्यों? उसका रीज़न एक और ये भी कि उसमें एडिशनल बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, बिला वजह लगी होती है क्योंकि वो जनरेट हुआ हुआ कोड है। अच्छा, तो ये तो हो गए दो उसके नुकसान। अब बेनिफिट्स भी इसके हैं, एटलीस्ट दो तो बेनिफिट्स भी गिनवाने ही चाहिए। नंबर एक बेनिफिट ये है कि टाइम बच जाता है बहुत, नंबर एक बेनिफिट क्या है कि भाई आप ड्रैग ड्रॉप करते हैं, आप पे टाइम बच जाता है, और खासतौर पर नॉन टेक्निकल बंदा वेबसाइट बनाने बैठा उसको तो एक साल में भी नहीं बनेगी उससे, तो वैसा बंदा टाइम बचा लेता है अपना। नंबर दो बेनिफिट ये होता है कि छोटी वेबसाइट जो है छोटी वेबसाइट के लिए बेस्ट है, बड़ी वेबसाइट तो खैर बना ही नहीं सकते आप, बड़ी वेबसाइट बनाने बैठेंगे तो आपके ही 12 बन जाएंगे। ठीक है, CMS पे बड़ी वेबसाइट आमतौर पर नहीं बनती, तो पता नहीं दूसरा फ़ायदा मेरे जहन में ही नहीं आ रहा अभी कोई, एक ही फ़ायदा है बस टाइम बचता है और है नॉन टेक्निकल लोगों के लिए। हाँ मैं हाँ नहीं ऐसा नहीं है दोस्त का सवाल मैं रिपीट करता हूँ, ये कह रहे हैं कि सर वर्डप्रेस तो आजकल बड़ी डिमांड में चल रहा है और हर जगह देखने को आता है, सही है वो असल में फाइवर का हाँ नहीं बिल्कुल दबा रहे हैं, मैं तो ये तो नहीं कह रहा कि दबा नहीं रहे। देखें असल में जो टेक्नोलॉजी होती है ना वो आती और जाती रहती है, सही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई एक टेक्नोलॉजी है और वो बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन करे, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो टेक्नोलॉजी आती है ना जब तो चली तो जाती है लेकिन जाती नहीं है, जैसे हम कहते हैं कि अंग्रेज आए थे अंग्रेज चले गए अपने क्या छोड़ गए हम, मतलब हम आपस में दोस्तों में कहते हैं अंग्रेज मर गए अंग्रेज चले गए बच्चे छोड़ गए पालने हमें पड़े। ठीक है, नाजेबा जुमला है वैसे ही, किसी को बोलना मत। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है ना तो वो खुद तो चली जाती है लेकिन अपने बच्चे छोड़ जाती है वो, और वो फिर आपको पालने पड़ते हैं बहुत लंबे अरसे तक। तो अब जैसे PHP है, PHP एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, सर्वर लिखा जाता है उसके ऊपर, पूरी वेबसाइट्स भी बन जाती हैं, लेकिन स्लो डाउन स्लो टेक्नोलॉजी है और थोड़ी सी पुरानी है, अब लोग दूसरी चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन क्या जो प्रोजेक्ट PHP पे बन चुके हैं वो ख़त्म हो गए क्या? वो तो रहेंगे, और सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है वो 2-4 सालों के लिए तो नहीं बनाया जाता, कम से कम 10 साल के लिए बनता है कोई भी सॉफ्टवेयर, उससे कम टाइम के लिए सॉफ्टवेयर बनाया नहीं जाता फिर परचेज कर लिया जाता है। जैसे अटेंडेंस सिस्टम है उसकी मशीन परचेज कर लो, बना हुआ कोई सॉफ्टवेयर रेंट कर लो, खुद नहीं बनाते फिर, अगर 10 साल से कम की नीड होती तो खुद नहीं बनाते सॉफ्टवेयर। तो अब वो 10 साल चलेगा, अब PHP आउट ऑफ डेट हो गई है जो भी हो गई है, वो चलता हुआ सॉफ्टवेयर है, उसको बनाने में हज़ारों डॉलर तो लगे ही हैं, कम से कम लाखों नहीं तो उसके पैसे पूरे करने होते हैं, और फिर जब वो 10 साल पूरे हो जाते हैं फिर कहते हैं यार जब तक कोई हमें एडिशनल प्रॉब्लम नहीं देगा ना, ये कुछ सही वाला सरदर्द नहीं देगा तो जब तक चलाते रहो, और यही वाइस डिसीजन भी यही है। तो कई कई सॉफ्टवेयर जो है ना वो 40-40 साल से चल रहे हैं और बिल्कुल बेहतरीन चल रहे हैं, सेट चल रहे हैं बिल्कुल,
ठीक है, अमेरिका का जो न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च सिस्टम है वो कौन सी लैंग्वेज में बना हुआ है, पता है किसी को? सी लैंग्वेज पे है, वो सी लैंग्वेज पर बनी नहीं थी जब वो बना था। सी लैंग्वेज से पहले कौन सी लैंग्वेज थी पता है किसी को? अबे नहीं भाई, जावा तो बाद में आई है। पता नहीं कोबोल वोबोल में बना हुआ कोई, वो जी डब्ल्यू बेसिक भी न्यू है, कोबोल उससे भी पुरानी है। तो कुछ इसी तरह की लैंग्वेज पे बना हुआ है, गूगल करना आ जाएगा तो बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है वो। सही है। अच्छा जी डब्ल्यू बेसिक भी लगता है, पता नहीं तुम लोगों ने कभी नाम नहीं सुना होगा जी डब्ल्यू बेसिक का। भाई उस पर भी बहुत प्रोडक्शन में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जी डब्ल्यू बेसिक पे, और आज तक चल रहे हैं। अच्छा जी डब्ल्यू बेसिक के लिए पता नहीं विंडोज़ में उनको 98 चाहिए होती है। विंडोज़ 98 की डीवीडी पता है कितने की मिल रही है अभी? डीवीडी तो नहीं खैर, सीडी होती है उसकी, और कितने की है विंडो 98 की? महंगी है काफ़ी, वायरल 20-25 हज़ार की देते हैं इंस्टॉल करके। मतलब वैसे तो डाउनलोड कर लो इंटरनेट से, लेकिन इंस्टॉलेशन जहाँ करवाने जाओगे ना तो 20-25 हज़ार रुपये लेते हैं एक कंप्यूटर में इंस्टॉल करके देने के, क्योंकि वो एंशंट हो गई ना यार, उसको इंस्टॉल करना भी एक सर का दर्द है। विंडो 95-98 CMD से इंस्टॉल होती थी उस ज़माने में, कंप्यूटर का काम करता था मैं तो, वो CMD काफ़ी उसमें इन्वॉल्व है ना, कमांड प्रॉम्प्ट से। अभी तो क्या होता है, आप CD लगाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट करो, हो गया, दैट्स इट। उसमें बहुत कुछ करना पड़ता था भाई, उसमें बहुत ही पंगे थे। हाँ बाकायदा लोग सीखते थे भाई विंडोज़ इंस्टॉल करना, सीखते थे बाकायदा लोग जो कोर्सेज में वहाँ पे ना MS ऑफिस और टाइपिंग और विंडो इंस्टॉलेशन सिखाते थे लोग बाकायदा। तो ये था भाई CMS। हम इस कोर्स में CMS नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो हाथ का लिखा हुआ कोड है हैंडमेड, उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है, CMS के लिखे हुए कोड की डिमांड ज़ीरो है, ठीक है। और ये जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है, YouTube, Twitter, Facebook, इन सब का कोड हाथ का लिखा हुआ है, कोई भी CMS का लिखा हुआ नहीं है। अच्छा भाई ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ।